नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट हैंड स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट ऋतिक, और आज बात करेंगे सेकेंड ओडीआई को लेकर जो कि हम खेलने जा रहे हैं विशाखापट्टनम वाइजैग में भारत बनाम वेस्ट इंडीज का। और एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, दर्शकों आप बताइए कि आपके हिसाब से, क्योंकि पहला वनडे मैच आप सबने देखा, हमने 280 प्लस का टारगेट दिया था लेकिन उसे बड़े ही आसानी से चेज किया विंडीज के बल्लेबाजों ने। अगर मैं बात करूं विंडीज के शिमरन हेटमायर जो कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे और 130 प्लस का स्कोर किया, साथ ही शे होप जो कि सलामी बल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज के, उन्होंने भी शतकीय पारी खेली, और उसके बाद बची कुची कसर निकोलस पूरन ने पूरी कर दी पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या लगता है आपको कल का जो मैच होगा 18 दिसंबर सेकेंड ओडीआई मैच विशाखापट्टनम में, आपके हिसाब से, आप जनता हैं, आप मैचेस देखते हैं, क्रिकेट एक इमोशन है, पूजा जाता है इस देश में, और हम सब जानते हैं कि सेकेंड ओडीआई का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेकेंड ओडीआई जीतना हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेकेंड ओडीआई हारते हैं तो थर्ड ओडीआई यानी कि सीरीज हमारे हाथ से गया ओडीआई का, और थर्ड ओडीआई मैचेस देखने का मजा भी नहीं आएगा दोस्तों। तो ये मैच विराट सेना के लिए करो या मरो वाला है। तो विराट कोहली, आपके हिसाब से, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कल शतक कौन मारेगा, विराट? क्या विराट के बल्ले से, विराट कोहली के बल्ले से शतक ये पारी निकलेगी? क्या केएल राहुल शतक लगाएंगे या फिर रोहित शर्मा? तो हमारे इस प्रोग्राम में ये सवाल हमने आपसे पूछा है, तो जवाब हमें जरूर दीजिए कि कल सेकेंड ओडीआई मैच में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में आखिर किसके बल्ले से शतक निकलेगा, कौन शतक ये पारी खेलेगा, रोहित शर्मा, केएल राहुल, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली? ये तीन नाम मैं आपको दे रहा हूं। फिर से मैं आपको बता दूं, सवाल मेरा यह है कि सेकेंड ओडीआई मैच में कौन शतक लगाएगा, किसके बल्ले विशाखापट्टनम फिर से गूंजेगा और शतकीय पारी वहां पर देखने को मिलेगी। क्या विराट कोहली मारेंगे शतक, या रोहित शर्मा मारेंगे शतक, या केएल राहुल मारेंगे? तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते हैं कि क्या कुछ करती है सेकेंड ओडीआई में टीम इंडिया। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।